थीम होता है, थीम वही होता है, उस वर्क का एक डीपर मीनिंग होता है जो कुछ भी राइटर ने, पोएट ने राइट किया हुआ होता है। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और थीम में आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है और थीम क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर उस लिटरेरी वर्क का जो भी राइटर ने राइट किया है, इस टाइप का हमसे बताया था, ये थ्री लाइन्स का सेट होता है, थ्री लाइन्स जिस तरह से कंप्लीट होता है ना टू लाइन्स का, उसी तरह से ट्रिपलेट थ्री लाइन्स का होता है जिसको टर्स सेट बोला जाता है, थ्री लाइन्स का सेट होता है। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मीन्स इन हिंदी वैसे संरचना, जो कुछ भी एक राइटर राइट करता है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आप कुकिंग करते हो, कोई डिश प्रिपेयर करते हो, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूजेस किए जाते हैं तो उनका एक अरेंजमेंट होता है। या फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग प्रिपेयर हो रही है या कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है, कोई मशीन बनती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज करके वो पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह से जब कोई पोएट एक पोइट्री को राइट करता है तो उस पोइट्री का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने में बहुत सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है, लाइक रिदम हो गया, राइम स्कीम हो गया, फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया, तब जाके उस पोइट्री का स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। और जब भी कोई पोएट पोइट्री को राइट करता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है, उसके स्टैंजास, उसके लाइन्स को प्रिपेयर करने में मीटर्स वगैरह का ध्यान रखता है। और जब पोएट पोइट्री को राइट करता है तो वो लेंथ, प्लेसमेंट, ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स एंड स्टैंजास, ग्रुपिंग ऑफ लाइन्स एंड स्टैंजास, इन सभी बातों को वो ध्यान में रखता है, तब जाके एक पोइट्री प्रिपेयर होती है और इसको बोला जाता है फॉर्म, दिस इज कॉल्ड। एंड स्ट्रक्चर में अनदर एस्पेक्ट है रिद्म का, रिद्म में होता है लय, इसमें हिंदी में कहते हैं लय, जो कि पोएम की बीट होती है। और पोइट्री को राइट करते वक्त मीटर का ध्यान रखा जाता है, मीटर्स में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स का सेट होता है। एवरेज में राइम स्कीम के अलावा पोएट फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स फिगर ऑफ स्पीचेस, जिसमें सिंपली मेटाफर, पर्सनिफिकेशन वगैरह आते हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करता है पोएट, तब जाके उसका एक ओवरऑल इफेक्ट इस्टेब्लिश होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज टोन? नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, टोन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ राइटर्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज लिटरेरी वर्क। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि राइटर्स के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, जो कुछ भी उसने लिटरेरी वर्क लिखा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टोन्स के एग्जाम्पल हैं जो कि राइटर्स यूज करता है, लाइक आयरोनिक हो गया, जॉयफुल हो गया, प्लेफुल हो गया, राइट, जॉयफुल, आयरोनिक, ये सभी टोन होते हैं वर्क्स में। एंड प्लेफुल हो गया, फेयरफुल भी हो सकता है, बहुत से हैं एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंड टोन को कन्वे करने के लिए राइटर्स बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करता है, लाइक वर्ड चॉइस, पंक्चुएशन, फिगरेटिव लैंग्वेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर को वो ध्यान में रखता है। पंक्चुएशन मीन्स उसका उस वर्ग के सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर मीन्स विषय वस्तु, उसके प्रति उसका क्या टोन है, क्या एटीट्यूड है, राइटर्स का एटीट्यूड हो गया। टोन मीन्स राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लिटरेरी वर्क, राइटर्स एटीट्यूड। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। पंक्चुएशन, वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज थीम। थीम, व्हाट इज थीम? थीम इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द डीपर मीनिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर। जो कुछ भी राइटर ने राइट किया हुआ है उसका वर्क, उस वर्क का डीपर मीनिंग क्या है, दैट इज द थीम। किसी भी वर्क का एक थीम होता है, कोई भी चीज़ होती हो उसका एक थीम होता है, थीम वही होता है, उस वर्क का एक डीपर मीनिंग होता है जो कुछ भी राइटर ने, पोएट ने राइट किया हुआ होता है। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और थीम में आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है और थीम क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर उस लिटरेरी वर्क का जो भी राइटर ने राइट किया है,
यहाँ मैं राइट करती हूँ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर एक टॉपिक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? टॉपिक है। एंड थीम इज द डीपर मीनिंग, डीप मैसेज, जो कि राइटर्स इनडायरेक्टली अपने वर्क्स के थ्रू ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहता है। डीप मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर इज अ टॉपिक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लिटरेरी थीम्स के, लाइक लव, रिवेंज, किसी भी वर्ग का ये सब थीम हो सकता है। लव, रिवेंज, आइसोलेशन, पावर, मोर्टैलिटी, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिद्म। व्हाट इज रिद्म? रिद्म इज इन हिंदी वी कैन से लय। इन म्यूजिक द प्लेसमेंट्स ऑफ साउंड्स इन टाइम, दिस इज द रिद्म। और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं रिद्म के, लाइक बीट हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं रिद्म के, बीट, टेम्पो। सो ये सभी एलिमेंट्स हैं बीट, टेम्पो, रुबैटो, टाइम, रिद्म के। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज राइम स्कीम। व्हाट इज राइम स्कीम? राइम स्कीम्स इनको हिंदी में तुकबंदी कहते हैं। इन हिंदी में से जो लास्ट लाइन्स में राइम करती हैं पोइट्रीज वगैरह में, सॉन्ग्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, पोएट्स डिफरेंट टाइप्स के राइम स्कीम्स का यूज करते हैं अपने वर्क्स में। बहुत सारे राइम स्कीम्स हैं। राइम स्कीम क्या है? ये साउंड का पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं लाइन्स के एंड में या स्टैंजास के एंड में। एंड बहुत से राइम स्कीम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम स्कीम्स जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज अल्टरनेट राइम स्कीम। अल्टरनेट राइम स्कीम की जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी ए बी। फोर लाइंस का ये स्टैंजा होता है जिसमें फर्स्ट लाइन थर्ड लाइंस के साथ राइम करती है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइंस के साथ में राइम करती है। एंड सेकंड इज बैलेड। बैलेड आपने सुना होगा, मैंने इसे बताया भी था आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में। बैलेड लिरिक पोएम होती है जो कि राइम स्कीम पे वर्क करती है। बैलेड की जो राइम स्कीम होती है वो होती ए बी ए बी, बी सी बी सी, मीन्स फर्स्ट लाइन राइम करती है सेकंड लाइन के साथ, सेकंड लाइन राइम करती है फोर्थ लाइन के साथ, इसी तरह से ये रिपीट होता रहता है ए बी ए बी बी सी बी सी। एंड थर्ड लाइन जो आपका राइम स्कीम दिया हुआ है सिलेबस में दैट इज कपल राइम। कपल राइम जिसमें टू लाइन्स होते हैं, टू लाइन्स जो कि राइम करते हैं लास्ट में, एंड फोर्थ है आई होप यू कैन सी, एंड फोर्थ मोनो राइम, एंड फिफ्थ है इंक्लोज्ड। एंड इंक्लोज्ड राइम में जो राइम स्कीम होती है दैट इज ए बी बी ए, मीन्स फर्स्ट लाइन राइम करती है फोर्थ लाइन के साथ में, सेकंड लाइन राइम करती है थर्ड लाइन के साथ में, ये हो जाता है इंक्लोज्ड राइम। एंड इसके अलावा भी आपके सिलेबस में फोर राइम स्कीम और भी दी हुई हैं, उनको भी जान लेते हैं। सो नेक्स्ट इज सिंपल फोर लाइन राइम्स। सिंपल फोर लाइन राइम। ये इस तरह से वर्क करती हैं, इसमें सेकंड लाइन राइम करती है फोर्थ लाइन के साथ। एंड नेक्स्ट इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के बारे में मैंने आप लोगों को स्टैंजा फॉर्म से बताया था। ये थ्री लाइंस का सेट होता है, थ्री लाइंस, जिस तरह से कपलेट होता है ना टू लाइंस का, उसी तरह से ट्रिपलेट थ्री लाइंस का होता है जिसको टर्स सेट बोला जाता है। थ्री लाइंस का सेट होता है इनको बोला जाता है टर्स सेट। टू लाइंस को कपलेट बोले जाते हैं और थ्री लाइंस को टर्स सेट बोले जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज टर्जा राइमा। ये टर्सेट्स का सेट होता है, टर्सेट्स का ये सेट होता है, सेट ऑफ टर्सेट्स जो कि एक बार बार रिपीट किए जाते हैं स्टैंजास में। यहाँ मैं पैटर्न लिख देती हूँ तो आप समझ पाएंगे। ए बी ए बी ए
बी ए बी सी डी सी। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट लाइन राइम करती है थर्ड लाइन के साथ, सेकंड वाली ऐसे ही रहती है एंड इस तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में होता है। जो फर्स्ट लाइन होती है वो भी इसी तरह से थर्ड लाइन के साथ राइम करती है, सेकंड वाली ऐसे छोड़ दी जाती है। तो ये टर्जा राइम का राइम स्कीम है एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट और भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दो राइम स्कीम्स और दिए हैं उनको भी जान लेते हैं। लाइमरिक ये फाइव लाइन की पोएम होती है, फाइव लाइन की पोएम होती है और इसका राइम स्कीम है ए ए बी बी ए। मीन्स जैसे कोई पोएम इस तरह से लिखी हुई है तो वो होगी ए ए बी बी ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों तुक बना रही है, ये दोनों तुक बना रही है और ये अकेले छोड़ दी जाती है, फाइव लाइन्स की पोएम हो गई। तो इस तरह से ये राइम स्कीम पैटर्न वर्क कर रहा है। एंड नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिलेबस में, ये भी दिया हुआ है विलियम ने, इसका राइम स्कीम है ए बी ए। ये फाइव थ्री लाइन्स स्टैंडर्ड के साथ में वर्क करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो आज की इस वीडियो में हमने पोएटिक डिवाइसेस में फाइव डिवाइसेस को जाना, स्ट्रक्चर, टोन, थीम, रिद्म, राइम स्कीम्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल्स, आयरनी, जक्स्टापोजिशन एंड इसके अलावा आपका दिया हुआ है आपके सिलेबस में नेगेटिव कैपेबिलिटी, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।